हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको महाराष्ट्र एंड गोवा जो सेट जून 2019 है उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं। तो खास तौर से काफी स्टूडेंट्स ने महाराष्ट्र सेट के एग्जाम के बारे में मुझसे पूछा था, तो सोचा कि मैंने कि इसके रिगार्डिंग हम लोग अपने प्रॉपर एक कंप्लीट एक आपके लिए वीडियो आपके लिए बनाए, जिसके अंदर आपको सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं महाराष्ट्र एंड गोवा सेट के अंदर रिगार्डिंग में जून 2019 के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो देखिए इसके अंदर वैसे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म काफी पहले निकला था, बट स्टिल अभी इसके एप्लीकेशन जो है ओपन है, तो आप जाके उनको फिल कर सकते हैं और काफी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी कोई किसी भी टॉपिक पर या किसी भी पॉइंट से आपको कोई लगता है कि नोटिफिकेशन आया है तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, उसके रिगार्डिंग में आपको कोई वीडियो क्रिएट करवाना है, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसके बारे में जरूर उसके बारे में सोचकर आपको उसमें कमेंट करके बता देंगे कि हम इसमें बना सकते हैं या वीडियो नहीं बना सकते। ओके, तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट द महाराष्ट्र एंड गोवा सेट जून 2019। तो वीडियो बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया है आईटी से, ट्रिपल आईटी से, और CSIR इंजीनियरिंग साइंस से मैं GRF क्वालिफाइड हूँ, UGC नेट से मैं GRF क्वालिफाइड हूँ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे मैं वर्क कर चुका हूँ, राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए एजुकेटर इन BSI एकेडमी और मैं अन एकेडमी पे भी वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। ओके, और अब मैं आपको सीधा अपने जो वीडियो हम लोगों ने जो बनाया उसके ऊपर ले चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन डेट जो थी इसकी स्टार्ट हुई थी 1 फरवरी से और 21 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं महाराष्ट्र एंड गोवा सेट जून 2019 के जो आपके एप्लीकेशन आया है। तो याद रखिएगा अभी स्टिल 10 डेज और बचे हैं, तो इन आखिरी के 10 दिनों में आप चाहें तो उसके जो काफी ज्यादा स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र या फिर गोवा से बिलोंग करते हैं या फिर बहुत से और भी स्टेट के जो स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र सेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा एक उनके लिए एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने किसी भी तरह की कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई है, तो आप उसको 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक उसको चेंज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे आप 30 जून को, यानी 30 जून को आप इसको इसके जो एडमिट कार्ड आपके आएंगे, तो 13 जून से लेकर आपके जब भी एग्जाम से पहले आप इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 23 जून 2019। ओके, तो काफी सारे सब्जेक्ट का सेट एग्जाम हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, इसके सिलेबस के रिगार्डिंग कौन कौन सा टॉपिक है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कंप्यूटर साइंस के बारे में पूछा था और इसका जो टॉपिक है जो कंपल्सरी पेपर है उसके बारे में अभी आपको मैं काफी इंफॉर्मेशन दूंगा, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो देखिए ये एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा। NTA UGC नेट ने इस बार दिसंबर 2018 का जो एग्जाम कराया था वो ऑनलाइन था, बट ये जो एग्जाम है महाराष्ट्र एंड गोवा सेट 2019 जो है वो ऑफलाइन, स्टिल अभी ऑफलाइन एग्जाम है, तो उसमें आप जाके उसको इसके ब्रोशर को देख सकते हैं। उसके बारे में जो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो जिस स्टूडेंट्स को भी या जिस कैंडिडेट्स को इस एग्जाम के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस ब्रोशर को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से इंपॉर्टेंट डेट पे बता दूं कि रजिस्ट्रेशन डेट जो थी वो 1 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, जो कि 21 फरवरी 2019 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर किसी भी तरह का कोई एरर है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं 22 फरवरी से 28 फरवरी तक। एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम 13 जून 2019 से। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 23 जून 2019 है। हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि NTA UGC नेट की जो डेट आई है वो इस डेट से क्लैश नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें 21 जून 24 जून है, तो 23 जून उसमें नहीं है। ओके, अगर फिर भी डेट किसी क्लैश करती है, वैसे तो नहीं करेगी स्टिल, तो हो सकता है कि उसमें जो डेट है वो आपको, क्योंकि 6 डेज या 7 डेज तक NTA UGC का एग्जाम चलेगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में, वहां पर क्योंकि महाराष्ट्र के जो एग्जामिनेशन की डेट दी है वो केवल एक सिंगल डेट दी है, वो है 23 जून 2019। ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है इस एग्जाम का वो ऑफलाइन होगा,
तो जाके आप इसको मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन के रिगार्डिंग में, तो देखिए इसकी जो फीस है वैसे फीस के स्ट्रक्चर के बारे में आप जाके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देख सकते हैं। हाँ, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो और स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो महाराष्ट्र सेट एग्जाम को देना चाहते हैं, तो वो जो स्टूडेंट है या वो जो ऐसे कैंडिडेट है तो वो ओपन कैटेगरी में आएंगे, जनरल कैटेगरी में आएंगे। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप महाराष्ट्र या गोवा के नहीं है, तो उस रिगार्डिंग में आपको आपका जो अपना फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में फिल करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से किसी भी तरह की जो भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब ये आती है कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद अब हमारा जो कोर्स है वो क्या है। ओके, अब देखिए इसमें जो हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट का आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये वेबसाइट का जो लिंक है वो है www.bsiacademy.in। इसके अंदर वैसे तो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग में काफी सारे कोर्स है, बट इस बार हम लोगों ने महाराष्ट्र और गोवा सेट 2019 के रिगार्डिंग में अपने दो कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। अब इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि पहला कोर्स जो है कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस का ये जो कोर्स है स्पेशली महाराष्ट्र और गोवा सेट 2019 के स्टूडेंट्स के लिए है। काफी सारे स्टूडेंट बोले सर आपने यूजीसी नेट का तो कोर्स आपने पहले बनाया था उसको ही आप स्टार्ट कर देते, बट इसमें क्या होगा कि इस कोर्स के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर्स के महाराष्ट्र के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो सॉल्व करेंगे, बट इसके अलावा और भी जो थ्योरी लेसन है वो आपको उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, महाराष्ट्र का जो कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स का स्ट्रक्चर कोर्स है वो तो दोनों का इक्विवेलेंट है, बट अगर हो सकता है लेवल में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि महाराष्ट्र सेट और गोवा सेट का जो एग्जाम होगा एनटी यूजीसी नेट से थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू। ओके, तो उसके रिगार्डिंग में हमने एक डिफरेंट कोर्स जो है वो फ्लोट कराया है। तो पहला कोर्स जो है हमारा महाराष्ट्र गोवा सेट कंप्लीट कोर्स है कंप्यूटर साइंस का। दूसरा कोर्स जो पेपर वन का वो यूजीसी नेट के लिए और सेट के एग्जाम के लिए दोनों के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड रहेगा, तो आप इन दोनों कोर्स में किसी से भी रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा बाकी जो कोर्स है वो मैं उनके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। कंप्यूटर साइंस का यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोर्स था, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स था, कॉमर्स का कोर्स है, मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स का। ओके, तो इनके रिगार्डिंग में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे पूछकर प्रोवाइड ले सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा का पूरा कोर्स जो कि हमारे bsiacademy.in पर इस समय फ्लोट हो रहे हैं। इसके अलावा पेपर वन के बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ कि एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम और सेट एग्जाम जो पेपर वन है उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। अभी लेटेस्ट में सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली इस बार 10 टॉपिक्स को मेंशन कर दिया गया है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इन 10 टॉपिक्स को स्पेसिफिकली इस बार बताया गया। इसके रिगार्डिंग में जो डिटेल सिलेबस है वो भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं इसका लेसन, तो उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट पैटर्न जो था हमारा, इसके अंदर हम आपको मोर देन 350 लेसन्स होंगे, वीडियो क्लासेस हैं इसके अंदर। इसके अलावा लाइव सेशंस होंगे आपके जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आप उसे आप लाइव सेशन के अंदर अटेंड करके आपका जो भी क्वेरी है आप उसे पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, थ्योरी लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस सेट्स हैं और काफी और भी जो भी आपके डाउट है आप हमसे डाउट्स के रिगार्डिंग में, काफी सारे जो डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के वो तो मैं लाइव सेशन में करा देता हूँ, बट स्टिल अगर किसी के डाउट है, कोई पर्सन कोई डाउट और भी है तो आप हमसे व्हाट्सएप से पूछकर हमसे प्रोवाइड उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या फिर जो भी आपको क्वेरी है आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो था महाराष्ट्र और गोवा सेट के रिगार्डिंग में कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा आपको किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए कि सर हम लोग पीएसजी का हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो पीएसजी के लिए कैसे हमें एंट्रेंस में कैसी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि देखिए हर यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग या फिर हर इंस्टीट्यूट का जो पीएसजी एग्जाम होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसका पैटर्न भी अलग अलग होता है, तो उसके पैटर्न के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भली
कौन सा भी पीएसजी एंट्रेंस हो, तो क्योंकि मैंने भी काफी बार पीएसजी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, मैं खुद पीएसजी का एनरोलमेंट काफी बार फिल किया है, मैंने खुद ने क्रैक किया काफी बार, तो आपके बार आपको कैसे आपको रिसर्च प्रपोजल क्रिएट करना है इसमें आपकी मैं कंप्लीट आपकी पूरी हेल्प करूंगा, तो उसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप व्हाट्सएप से हमसे ले सकते हो। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।